नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित नारंग आपका फिर से स्वागत करता हूं एडवांस एक्सेल फॉर एडवांसमेंट क्लासेस में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे होम बटन पर। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन आ रहा है कट कॉपी एंड फॉर्मेट प्रिंटर। हम पेस्ट वाला ऑप्शन कवर कर चुके हैं। सबसे पहला आता है हमारा कट ऑप्शन। सो कट ऑप्शन की गाइस शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कट। अब यहाँ पर कट का हम फंक्शंस देखेंगे कैसे होता है। ये मेरा डेटा है, मुझे इसको यहाँ से कट करके मैं चाहता हूँ ये डेटा मेरा यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए कट फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। मैंने डेटा पूरा सेलेक्ट करा, होम रिबन पे गया मैं, वहाँ पर मैंने कट का ऑप्शन सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। तो कंट्रोल, अदरवाइज आप कंट्रोल एक्स भी प्रेस करोगे शॉर्टकट की। कंट्रोल एक्स मैंने प्रेस करी, यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया। मैं क्लिक कर देता हूँ दोबारा कंट्रोल एक्स और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो मेरा कंट्रोल एक्स हो चुका है। तो कट का ऑप्शन आपको क्लियर हो चुका है। देन आते हैं अगले टॉपिक पर, कॉपी। गाइस कॉपी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन रहता है आपका, गाइस इसकी पहले बात आप जान लीजिए शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी। मैं चाहता हूँ ये मेरा सेम डेटा अगले अगर अगली रेंज में मेरा कॉपी हो जाए तो कंट्रोल सी मैं प्रेस करूँगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर होम रिबन पर जाकर कॉपी पे क्लिक करूँगा, जहाँ पर मुझे डेटा कॉपी करना है वहाँ पे कंट्रोल वी मैं प्रेस कर दूँगा तो मेरा डेटा कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाके नॉर्मल पेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है आपको? देन आता है गाइस कॉपी के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप साइड में देखिए एरो की, डाउन एरो की प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पर पहला कॉपी तो आपका नॉर्मल कॉपी है जो कि वैल्यू कॉपी करेगा। देन आता है कॉपी एज पिक्चर। गाइस पिक्चर के अंदर फर्स्ट रहता है अपियरेंस। अपियरेंस के अंदर गाइस रहता है एज शॉन ऑन स्क्रीन। गाइस इसके अंदर अगर आप ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका अगर एक्सेल पे पिक्चर कोई पेस्ट कर भी देता है तो कोई हाई क्वालिटी अगर प्रिंटर होता है तो वहाँ पर आपकी पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो अगर कोई हाई क्वालिटी प्रिंटर के लिए अगर आप कोई ऐसी पिक्चर स्क्रीन उसकी जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, उसकी पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको एज शॉन व्हेन प्रिंटेड। अदरवाइज आप नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं एज शॉन ऑन स्क्रीन। इसमें सेलेक्ट करिएगा, सेकंड फॉर्मेट में आते हैं पिक्चर। गाइस पिक्चर के अंदर क्या रहता है कि अगर आपने जो भी डेटा सेलेक्ट करा है उसकी वो पिक्चर बना देते हैं पीएनजी, यानी जेपीईजी एक फॉर्मेट रहता है उसका पिक्चर का, वो क्रिएट कर देता है। अदरवाइज अगर आप बिट मैप सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपने डेटा सेलेक्ट करा है उसकी जो भी सेल की विड्थ है, कॉलम की हाइट है, हर एक चीज़ वो पिक्चर में बिल्कुल सेम रिफ्लेक्ट होती है। तो बिट मैप का जो स्टोरेज होती है काफ़ी हाई रहती है और पिक्चर की इससे कम रहती है बिट मैप से। तो आप पिक्चर सेलेक्ट करें या बिट मैप, वो आपकी डिस्क स्पेस से मैटर करता है। मैंने यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ पिक्चर यहाँ पे पेस्ट हो जाए तो गाइस देख सकते हैं वो पिक्चर यहाँ पे पेस्ट होगी। जो सेल का कॉलम विड्थ थी उसको मैटर नहीं करेगा, बस ये पिक्चर क्रिएट कर देगा। क्लियर है आपको? तो कॉपी ऑप्शन क्लियर है। देन आता है अगला हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। गाइस फॉर्मेट प्रिंटर आपको थर्ड ऑप्शन दिखता है, इसके अंदर शॉर्टकट की रहती है ऑल्ट एच एफ पी। अब मैं चाहता हूँ जो हेडर का फॉर्मेट ऊपर है वही सेम फॉर्मेट सेकंड फर्स्ट वाले मेरे डेटा में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट करा, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूँगा। मैंने वन टाइम क्लिक करा है फॉर्मेट प्रिंटर पे और मैं सेकंड वाले को पूरा सेलेक्ट कर दूँगा। तो देखिए मेरा पूरा फॉर्मेट नीचे आ चुका है। अदरवाइज इसके अंदर सेकंड ऑप्शन क्या रहता है, मैंने अभी वन क्लिक करा था, अदरवाइज मैं यहाँ पे टू क्लिक करता हूँ तो गाइस देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जब तक मैं वहाँ पे अनटिक नहीं कर देता उसको ये फॉर्मेट मेरा कंटिन्यू रहेगा। कहीं भी मैं पेस्ट करूँगा वो मेरा फॉर्मेट लेता रहेगा, अदरवाइज मैं उस पर क्लिक कर दूँगा तो ये बंद हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो आज हमने तीन चीज़ें कवर करी, कट कॉपी एंड फॉर्मेट प्रिंटर। सो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट। सो थैंक यू सो मच।